बरसों से पंजाब से पलायन हो रहा है और लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। इस पलायन के बाद अब उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी सामने आ रहा है कि जो अप्रवासी भारतीय है बरसों विदेशों में रहने के बाद वापिस अपने गांव में लौट रहे हैं। इस वक्त हम लोग लुधियाना के गुरुसर सुधार गांव में मौजूद हैं और ये है इस गांव को जोड़ती हुई एक सड़क। ये सड़क कोई हाईवे नहीं है, ना ही किसी लिंक रोड का हिस्सा है, ये गांव की एक सड़क है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सड़क के दोनों तरफ न केवल हरे भरे पेड़ हैं बल्कि यहां से गुजरती ही नालियां भी पक्की हैं, फूलदार पौधे भी यहां पर लगाए गए हैं, यहां तक कि खेतों की मेड़ भी पक्की है। और इसका श्रेय जाता है गांव के एक NRI परिवार को, नछत्तर सिंह को। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बहुत खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड और अच्छी हालत में एक सड़क दिखाई दे रही है, फूल वाले पौधे भी देख सकते हैं और उसके साथ आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे और नए जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से बने घर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस गांव की शक्ल सूरत बदली गई और कितना संघर्ष परिवार ने किया, कितना योगदान दिया। इस वक्त हम लोग नछत्तर सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। तो आप अपना नाम बता दीजिए। जगतार सिंह जी। आप ये बताइए, नछत्तर सिंह कनाडा गए थे, अमेरिका? अच्छा, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने गांव में कैसे सुधार किया? हर साल आते थे, हर साल आगे 15-16 बंदे लाए काम करते, महीना डेढ़ महीना कम करते, कम करके चले जाते, फिर आए साल बाद फिर कम करते। 18-19 लाख रुपया पिंड से लाया उन्हें इस ते सड़क कटिया, सिवे कंध की छप्पड़ बच्चे कटी सिवे, और थाने की कंध की पिछे 5.5 फुट देड़ के, फिर फुट बनाया हस्ता की कंध देड़ी 16 फुट पिछे की हस्ता दे, वो पैसे बहुत लग गया। ये अपनी जेब से उन्होंने लगाया? हाँ, जेब चाहते उतो आपकी कमाई, पेंशन आई, पेंशन कढ़ा के स्कूल उतो बैंक चो 4:30 बजे पेंशन दे गए, पौड़ियां दब गए, शान पौड़ियां 7 बजे दबिया, पानी निकलना कसी का, उदू बाद चले गए उत्थे सवेर नूं, मैं छड्ड गया 6 बजे, फिर पानी पत्त रोटी खाधी, उदू बाद अटैक हो गया, बस ते पई रह गए, ड्राइवर ने ठाले भी उठ भाई आ गल। आप अपना ना, अपना साइंस टीचर से ऐतिहा स्कूल उन्हें बनवाया, हाँ ऐतिहा स्कूल सारा ढा के नवा बनवाया, पढ़ाते थे 1965 की रैपर लगे थे पढ़ाई का, फिर हलवारे स्कूल बनाया उन्होंने, या रोड उत्ते हलवारा पिंड, वो भी स्कूल उन्होंने बनवाया, आ कोठी पहला आ कोठी पाई, फिर आ कोठी पाई, हाँ यही गल हुई है। मैं इतने छोटा होंगे रहना बाहर दी शुरू तो जिवें जिथे टीचर सी ने स्कूल का मतलब भी अदल बदल किया है, चेंज की, फिर उन्होंने आपके पिंड बारे जदों तो चले गए बाहर, फिर उन्होंने लगता सी कि रोड छोटी हैगी, बई करम करम लेंदे सी ओह जगह, ते फिर उस तो आपदी जेब विचों खर्चा किया उन्होंने, ते सारा काम जो उन्होंने मतलब भी लेबर लगी हुंदी सी, उन्होंने चाह पानी का वह मैं करती हुंदे सी हेल्प उन्होंने नाल। ए मेरे हसबैंड ने गे सरदार जगतार सिंह जी, इन्हां ने ट्रैक्टर की सेवा की सी, भी जदो भी कि जदों भी हाँ एक दो घर पिंड ने भी साड़ी सपोर्ट बहुत की हैगी, ते बाकी दा जदों मतलब उन्हां नूं किते रोड दे उत्ते है ना ट्रैक्टर की जरूरत पैंदी सी तां उन्हां दा भांजा हैल्प करदा सी उन्हां नाल। ओथे पंद्र कर रहे सूए ते उन्हां नूं थोड़ा जिहा आप याद करके बता देंगे कि जब उन्होंने ये काम की शुरुआत की थी तो गांव कैसा था और अब कैसा हो गया? उदो नालों चेंज हुई है जी, चेंज हुई है ना, क्योंकि जिहड़ी एक्सचेंज वाली रोड सीगी उस तो बाद वो पक्की हुई है, पहला वो कच्ची सीगी, पहला सब तो पहला उन्होंने काम शुरू किया शहीदां तो, साढ़े इत्थे शहीद का स्थान हैगा इत्थे गुरु सर सुधार, और जदों बारिश हुंदी सीगी तां उत्थे चिक्कड़ हो जांदा सीगा, जदों चिक्कड़ हुंदा सी तां निकलना बड़ा मुश्किल हो जांदा सीगा, तां फिर असीं उन्हां कोल रिक्वेस्ट कीती बई सानूं जदों असीं 10वीं दे जांदे आ ਬਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਣ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਖੜਕੇ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਪਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ ਸੂਆ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਡ ਉਹ ਸੂਆ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं समझता हूँ कि NRI इसका जी 50% तो था पहले जी, पर आजकल जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जी NRI जी काफ़ी ज़्यादा जी अपनी योगदान दे रहे हैं, शमूलियत कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो तकरीबन अगर कहूँ तो जी 75% है जी NRI का ही है योगदान सारा। अच्छा, NRIs के बारे में अब एक बात मानी जा रही है कि कई जगहों पे NRIs विदेशों में अपना बिजनेस जमा कर या सब कुछ छोड़ के अब गाँव की तरफ सोचने लगे हैं कि जाओ गाँव की जो शक्ल है उसको बदला जाए या वहीं पे रहना जाए। तो आपके गाँव में कितने % इस तरह की इमिग्रेशन है और आप कब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग और आएंगे? रिवर्स इमिग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन। हाँ जी जी, तकरीबन हमारे गाँव के जी 95% लोग जी फैमिली तो बाहर हैं, हम भी हैं जी, मेरे दोस्त भी हैं इंद्रजीत सिंह और भी जी जगतार सिंह, इनके सभी के हमारे सभी की फैमिलीज तकरीबन जी खेत बाहर हैं। और तकरीबन जी अगर आप कहें तो जी 75% बाहर हैं जी, 25% इधर है। और उसके बाद NRI का एक्चुअली जी पंजाब में तो जी बहुत ही योगदान है, क्योंकि वो अपने जी गाँव का जी जी काफ़ी अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो जी, और वो करते भी हैं। मतलब क्या कारण है कि वो कोई कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, वहाँ तो बहुत ही तरक्की होती है, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, कि अब उनका ध्यान जो है गांव की तरफ भी आ रहा है? जी एक्चुअली गांव की तरफ जिक्र पहले जी से ही जिक्र ध्यान तो उनका था जी, पर आजकल जी जी खैर कुछ बड़ा, और आजकल तो जी खैर शायद आप जी आने वाले सालों में देखेंगे कि तकरीबन और 2-4-5 साल में मेरा ख्याल है रिवर्स इमिग्रेशन होगी। हाँ जी, तेज हो जाएगी, क्योंकि कारण यही है जी कि आजकल जी कनाडा और अमेरिका और जो अदर कंट्रीज हैं उनमें भी जी काफ़ी जी जी टफ जी हो गया सभी के लिए तो, और जी मेडिकल का भी दिक्कत बहुत है, प्रॉब्लम हो गया। और तकरीबन कनाडा में अगर आप देखें तो आपको जी दो साल जी वेट करना पड़ता है अपनी जी मेडिकल, अगर कोई आपको कोई सीरियस एलिमेंट हो तो उसी का ही जी फिर वो करते हैं एमरजेंसी, नहीं तो जी सभी के लिए जी फिर वहाँ पर साल दो साल तो जी आम बात है। और तो इसका मतलब ये भी है इलाज के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तकरीबन जी, मेरा ख्याल तो भाई 75 क्या कि 90% ही लोग जो अपना इलाज जिनको जी एमरजेंसी की जरूरत है जी कर वो ही आते हैं, क्योंकि एक तो इधर जी कर सस्ता भी है, जो डेंटिस्ट का काम है वो तो जी कर पहले से ही इधर ही होता है, और जी कर आम भी आजकल क्योंकि जी अपॉइंटमेंट ना मिलने के कारण और वो इधर ही आते हैं। गुरनूर, आप ये बताइए कि इस गांव में जो टेनिस एकेडमी हार्वी जी खोल रहे हैं या जो चला रहे हैं काफी सालों से, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं हार्वी सर का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब 8 साल का था तब से खेल रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं खेलते हुए टेनिस एकेडमी में, और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पंजाब में और इवन पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, लाइक देर आर मैनी फैसिलिटीज ओवर हेयर।
एंड देयर आर यू कैन सी द क्ले कोर्ट्स एंड इवन देयर आर डेकोरेटिव कोर्ट्स विद फुल फैसिलिटीज एंड कोचेस आर रियली सपोर्टिव टू अस एंड द फैसिलिटी इज गुड एंड इवन द फूड फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट ओवर हेयर एंड मैं ये गांव से ही हूँ. मेरा गांव जस्ट 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से और मैं जब छोटा था तब लाइक कहते हैं ना भी पेरेंट्स को होता भी बच्चा गलत काम में ना चला जाए बट लाइक ये हार्वी सर ने ये वाली लाइन दी स्पोर्ट्स लाइन दी ये अमेजिंग है लाइक हाँ इसने मेरी लाइफ बदल दी है. और मैंने माई नेक्स्ट टारगेट राइट नाउ आई एम इन द मेन्स कैटेगरी. आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन प्रो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर विच विल हेल्प मी टू ग्रो.